जी सर, सबसे पहले मैंने IBA में जब एडमिशन लिया ना, तो इन्होंने मेरा फर्स्ट जो इनकाउंटर हुआ छाजों से वो रिवीजन टेस्ट से हुआ। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने कहा था कि आपका ज़रूरी नहीं है आप कोचिंग में आके रिवीजन टेस्ट दीजिए, छाजा एक एप्लीकेशन है आप उसमें घर बैठे ही रिवीजन टेस्ट दे सकते हैं। तो मैंने देखा ये ऑनलाइन होगा, वही जो पुराना सिलेबस है वही करके ये कर देते होंगे, मगर नहीं, मैंने देखा हर क्वेश्चन अपडेटेड थे, सिलेबस बिल्कुल अपडेटेड था रिवीजन टेस्ट वाइज। उसके बाद वो मैंने देखा GTs भी इनके बहुत अवेलेबल हो गए थे MCAT से। 2-3 मंथ्स पहले ही ना मैंने इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो GTs बहुत वैल्यूएबल थे। इसके अलावा जो पास पेपर थे ना, वो ख़ास तौर पर मुझे बहुत अच्छे लगे थे इनके पास पेपर। इन्होंने अलग अलग सेक्शन बनाए हुए थे और अलग अलग सेक्शंस की वजह से ना मैं अपना टाइम भी नोट कर लेता था कि मैं 3 3 आवर्स में कितना कर पा रहा हूँ और क्या मेरी स्पीड है, क्या स्ट्रेटेजी है, ये सब मेजर हो सकता था क्योंकि इन्होंने हर चीज़ अलग अलग दी हुई थी। इसके अलावा एक प्लस पॉइंट ये है सर कि वो जब भी मैं कोई क्वेश्चन में जैसे मैंने गलत किया, मैंने जैसे पार्ट पेपर है, मैंने 2022 का पार्ट पेपर पूरा कर लिया, उसके बाद मैंने चेक किया, तो मैंने जब चेक किया है ना, तो उसके बाद ये फीलिंग आया, मतलब हर ना जैसे कोई क्वेश्चन गलत है ना, तो उसका पूरा सोल्यूशन ना आंसर में अवेलेबल हो जाता है ना, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरी अच्छी जर्नी रही है छाजाओ के साथ। मैं दूसरे स्टूडेंट को रिकमेंड करूँगा ये कर लें, इनफैक्ट फ्री ऐप है ये, बहुत अच्छी ऐप है। अगर आप कुछ पैसे इसमें लगा भी रहे हैं, अगर आप किसी कोचिंग नहीं जा रहे, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी।